दिल्ली में बाढ़ का संकट और गहराया। सुबह 7 बजे 207.18 मीटर तक पहुंचा यमुना नदी का जलस्तर। 10 साल में सबसे ज्यादा हुआ यमुना का जलस्तर, अभी खतरा और बढ़ने की आशंका। यमुना नदी से सटे निचले इलाकों में हाहाकार, कई इलाकों में पानी भरने के बाद जनजीवन पर संकट। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर यमुना की लहरों में उफान, प्रशासन अलर्ट पर, ड्रोन से हालात पर रखी जा रही है नजर। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से खतरा बढ़ा, नदी के उफान को कम करने के लिए ओखला बैराज के सभी गेट खोले गए। दिल्ली में यमुना के किनारों पर बसी आबादी पर बड़ा संकट, जैसे तैसे जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं लोग। यमुना बाजार इलाके में सिर्फ पानी पानी, जिंदगी बचाने की जंग तेज। लोग गैस चूल्हा बर्तन लेकर घरों से जा रहे हैं, राहत नहीं मिलने से है नाराजगी। कई इलाकों में सड़क के किनारों पर बनाए गए राहत कैंप, बाढ़ पीड़ितों को किया जा रहा है शिफ्ट। हथनीकुंड बैराज से अब तक 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया, पानी के दिल्ली पहुंचते ही गहराने लगा संकट। विकास नगर में यमुना नदी का दिखा रौद्र रूप, एक टापू पर फंसे 7 लोग, एसडीआरएफ के जवानों ने बचाई सभी की जान। मनाली से तबाही की तस्वीरें आई सामने, कई जगहों पर टूटी सड़कें, वहां पर अब हालात काबू में। मनाली में कई जगहों पर खतरा अब भी बरकरार, राहत कार्यों के बीच कुछ जगहों पर आवाजाही शुरू। कुल्लू मनाली में मौसम की मार के बाद सड़क पर हाहाकार, गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक, दिखी लंबी कतार। कुल्लू में दिखा भारी बारिश का मंजर, ब्यास नदी के उफान में बहती रही गाड़ियां, लाचार दिखे गाड़ी के मालिक। मंडी ने ली राहत की सांस, उफनती नदियों का जलस्तर घटा, कम हुआ संकट। कुल्लू में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सीएम, राहत कैंप में साथ में किया डिनर। मंडी के बाढ़ से तबाही वाले इलाकों में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रभावित लोगों से की मुलाकात। सोलन के सनमती इलाके में पहाड़ों में दरार से हड़कंप, प्रशासन ने लोगों से अपने घरों को खाली करने के आदेश जारी किए। हिमाचल के अलग अलग इलाकों में फिर बढ़ रहा है संकट, शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर और लाहौर के लिए रेड अलर्ट। कांगड़ा, चंबा, ऊना और हमीरपुर में भी मौसम का संकट, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड का है खतरा। हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने मनाली में तबाही का लिया जायजा, दिखे बर्बादी के निशान। हिमाचल की मंडी में बारिश थमने के बाद नजर आया भयानक मंजर, घरों में घुसा पानी, सड़कों पर बहता नजर आया लोगों का सामान। देहरादून में भारी बारिश के बाद जनजीवन ठप, शिमला बाईपास रोड पर एक मकान में फंस गए लोगों का हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के पौड़ी में दिखा बारिश और बाढ़ का कहर, बारिश की वजह से न्यार नदी में समाया घर। हरिद्वार के सलेमपुर में भारी बारिश की वजह से टूटी गोदाम की दीवार, तेज बहाव की वजह से नहर में बहते नजर आए हजारों ड्रम। अल्मोड़ा में बारिश का दौर जारी, पहाड़ी हिस्सों में भूस्खलन से आवाजाही पर पड़ा असर। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश के चलते झीलों में बढ़ा जलस्तर, वोटिंग का मजा लेते नजर आए लोग। नैनीताल में भारी बारिश की चपेट में आए हाईवे, तेज बहाव के कारण कटा नेशनल हाईवे। उत्तराखंड के कोटद्वार में लगातार हो रही है बारिश, सतपुली बाजार के घरों में भरा पानी। उत्तराखंड के चंपावत, देहरादून, हरिद्वार में तेज बारिश के आसार, अगले 12 घंटों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी। नासिक में सड़क हादसा, सप्त ऋषि घाट के करीब खाई में गिरी बस, कई यात्रियों के जख्मी होने की खबर। अंबाला में चंडीगढ़ रोड पर स्थित स्कूल में बाढ़ की वजह से फंसे 750 लोग, एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। अंबाला के तमाम इलाकों में भारी बारिश के बाद जल भराव से हालात गंभीर, बचाव कार्य तेज। संगरूर के मूनक इलाके में बहने वाली घग्गर नदी का बांध 2 जगह टूटा, आसपास के इलाकों में पानी भरा, बांध को भरने की कोशिश नाकाम। फतेहगढ़ साहिब में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू, श्रीहिंद शहर के कई से जलमग्न। हरिद्वार के लक्सर इलाके में बाढ़ से हालात गंभीर, सोनाली नदी में उफान से किनारों पर बसे कई इलाकों में इस वक्त गहरा संकट। यूपी के सहारनपुर में अचानक बढ़ा बाढ़ का जलस्तर, देर रात कॉलोनियों में हड़कंप, सिविल डिफेंस की टीम ने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। यूपी के हरदोई में तेज बारिश के चलते सड़कें बनी तालाब, सरकारी दफ्तर और कलेक्ट्रेट के पास भरा पानी। करनाल में नदी ने दिखाया रौद्र रूप, सड़क टूटी, कई गांवों से संपर्क कटा। राजस्थान के बारा में नेशनल हाईवे 27 डूबा, 2.5 फीट तक भरा पानी, आवाजाही रुकी। उत्तरी 24 परगना में काउंटिंग के दौरान बवाल, आईएसएफ, लेफ्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उग्र भीड़ ने सुरक्षा बलों पर बरसाए पत्थर, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। दक्षिण 24 परगना में हिंसा, भांगोर इलाके में हुई झड़प में एक आईएसएफ कार्यकर्ता की मौत, बवाल रोकने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। हिंसा में एक पुलिस अधिकारी के जख्मी होने की खबर, बीती रात से जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम।
बंगाल में जारी हिंसा को लेकर बीजेपी ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद और अन्य सदस्य हिंसा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, दिल्ली से हुए रवाना। नोएडा प्राधिकरण के 200 करोड़ रुपए के एफडी फ्रॉड में 3 और गिरफ्तार, एक आरोपी पहले ही पकड़ा गया था। बैरकपुर में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने किया टीएमसी की विजय रैली पर हमला, घायलों को बीएन बोस सब डिविजन अस्पताल ले जाया गया। असम के बोगाई गांव में वन विभाग ने जब्त किए लकड़ी से भरे कंटेनर, एक ड्राइवर फरार, दूसरा दौड़ाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मशहूर डॉक्टर ने किया सुसाइड, अपने ही क्लिनिक में इंजेक्शन लगाकर जान देने का शक, जांच में जुट गई है पुलिस। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किल बढ़ी, चार्जशीट के मुताबिक महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में बृजभूषण पर केस चलाकर दी जा सकती है सजा। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक एक महिला पहलवान ने 6 जगहों पर उत्पीड़न का किया जिक्र। 6 रेसलर्स ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने बृजभूषण के खिलाफ दिया बयान। 16 से 17 लोगों ने पहलवानों के पक्ष में दी गवाही। महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में 18 जुलाई को है बृजभूषण की पेशी। चार्जशीट सामने आने के बाद बढ़ सकती है परेशानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। भोपाल में अमित शाह मीटिंग करके दिल्ली लौटे। एमपी में बीजेपी शुरू करेगी विजय संकल्प अभियान, चुनाव को लेकर अमित शाह ने सलाह दी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज आवनी कोर्ट में होनी है सुनवाई। चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम शामिल। तेजस्वी के खिलाफ बिहार विधानसभा में हंगामे के आसार, बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। रेल की तरफ बीजेपी विधायकों ने फेंकी कुर्सी। बिहार में तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर तनातनी, जमीन के बदले नौकरी मामले में बीजेपी ने बोला हमला। विधायकों की जासूसी के आरोप में बिहार नगर माही सियासत, सुशील मोदी के आरोपों को आरजेडी ने किया खारिज। लगातार तीसरे दिन बीजेपी के आक्रामक रहने की उम्मीद, सीबीआई की चार्जशीट के नाम आने के बाद इस्तीफे की उठ रही है मांग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद धरने पर बैठे पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकान मजुमदार। बालूरघाट कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई, 2 अगस्त से दलीलों का दौर। मुंबई में शिंदे के घर फडणवीस, अजीत पवार की मीटिंग, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र नेताओं के साथ की बैठक, मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा। शरद पवार को नंबर गेम में मात देने वाला अजीत पवार गुट, 10 दिन बाद खाली हाथ, मंत्रालयों पर जारी है माथापच्ची। अजीत पवार ने समर्थन नेताओं के साथ की बैठक, बैठक के बाद डिप्टी सीएम फडणवीस से की मुलाकात। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं ने की नारेबाजी। बाराबंकी में फर्जी एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी और उसकी गुर्गुप की पेशी, एसीजेएम 19 की कोर्ट में ट्रायल पर हुई पहली गवाही। पुणे में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का मामला, 3 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज। बैतूल में पढ़ाई के लिए जोखिम उठा रहे हैं बच्चे, नाले पर बना रहे हैं स्टॉप डैम पर पटिया रखकर स्कूल जाते हैं बच्चे। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। तीक के बेटों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में युवक का रंगबाजी करते वीडियो वायरल, युवकों की पहचान करने में जुटी है पुलिस। कौशाम्बी में गर्भवती महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर की तोड़फोड़, घटना सीसीटीवी में कैद। हाजीपुर में लूट करने गए अपराधी से बड़ा व्यापारी, वीडियो हुआ वायरल। हरदोई में बाइक चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुआ चोर, पुलिस तलाश में जुटी। गोंडा में महिलाओं का मारपीट का वीडियो वायरल, छेड़खानी की वजह से हुई झड़प। खरगोन में कलेक्टर की पत्नी से लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाड़मेर में कुएं में गिरी पत्नी को बचाने में कूदा पति, दोनों की मौत, 2 बच्चे हुए अनाथ। छपरा में एक तरफा प्रेम में नाबालिग के फंदे पर लटकाकर हत्या, शादी के लिए परिजन बना रहे थे दबाव, 3 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया कांवड़ियों का डीसीएम, 5 कांवड़िए झुलसे, 2 की हालत गंभीर। सहारनपुर के ढमोला नदी में नहाने गए 2 बच्चों में से एक की तलाश जारी, पुलिस की टीम तलाश में जुटी। कौशाम्बी में गर्भवती महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़। रोहतक में कार ने 2 बाइक्स को मारी टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 1 घायल। अमरनाथ की पवित्र गुफा में आरती की तस्वीरें आई सामने, श्राइन बोर्ड ने जारी किया है वीडियो। श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था रवाना, बालटाल और पहलगाम जाएंगे श्रद्धालु। खराब मौसम की वजह से 4 दिन की बंद थी पवित्र यात्रा, कल भारी सुरक्षा के बीच दोबारा शुरू हुई।